अक्सर जहां भी जाता हूं, मैं अक्सर जहां भी जाता हूं बस इश्क को ही समझाता हूं। मैं अक्सर जहां भी जाता हूं बस इश्क को ही समझाता हूं। नाम मेरा हेमंत है पर मैं सफर कहलाता हूं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम हेमंत अग्रवाल। कुछ लोग मुझे सफर के नाम से भी जानते हैं। और कुछ ऐसा है कि अपनी यदि सुनाऊं मैं तो बस इतनी सी कहानी है। कि मैं तन्हाई का और तन्हाई मेरी दीवानी। शुक्रिया। और मैं भी कुछ कहानी अपने अंदाज में लेकर आया हूँ पोएट्री फॉर्म में। एक इल्तिजा है आपसे कि जरा गौर से सुनिएगा, जरा दिल से सुनिएगा, और जो अपने कानों से सुने वो आवाज जरा दिल तक ले जाइएगा। तो मैं शुरू करता हूँ कि एक रोज जिद कर बैठी हो, क्या जिद कर बैठी, सुनिएगा, कि एक रोज जिद कर बैठी हो क्या दिल में दबा कर बैठी हो, एक रोज जिद कर बैठी वो क्या दिल में दबा कर बैठे हो, जो कहना है वो कह दो ना क्या राश छुपा कर बैठे हो। एक रोज जिद कर बैठी वो क्या दिल में दबा कर बैठे हो, जो कहना है वो कह दो ना क्या राश छुपा कर बैठे हो। मैंने कहा चलो जाने दो बस छोटी सी बात है, वो ना समझे तो क्या होगा, आखिर मेरे जज्बात है। पर जिद पर अड़ी उस लड़की को आखिर कौन समझाने जाएगा। अगर इजहार जुबां पर आ गया तो जाने क्या हो जाएगा। मैं डरता रहा कहीं ऐसा ना हो वो मुझे दूर छोड़ चली जाए। वैसे ही मेरी आदत थी कभी सांस भी मुझको ना आए। तो कुछ ऐसा है कि पर उसने कहा हम दोस्त हैं जो कहना है कहेंगे कब। अच्छा, एक ना आदत होती है लड़कियों की, खास तौर से होती है। अब उनको एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, मैसेज ड्रॉप करने के बाद उनसे बोल दीजिए कुछ नहीं, वो बोलेंगे नहीं पहले बता, आगे बात तभी करूंगी, पहले बता। कुछ ऐसा है कि उसने कहा हम दोस्त हैं जो कहना है कहेंगे कब, ये बात जब बताएगा हम आगे बातें करेंगे तब। मैंने कहा तू पसंद है मुझे तो मालूम है उसका सवाल था क्या। उसने कहा मजाक नहीं, मैं खामोश उसका कमाल था क्या। उसने कहा हम मिले तक नहीं, मिले हैं लेकिन थोड़ा दूर है। उसने कहा हम मिले तक नहीं हम में तो कितनी दूरी है। मैंने कहा मैं आऊं यार तुम आओगी अगर मिलना इतना जरूरी है। शुक्रिया। मैं आऊं या तुम आओगी अगर मिलना इतना जरूरी है। जब हुआ इजहार कहानी का जो प्रेम से बुनने वाली थी वो लड़की बोलती कम थी थोड़ा पर मेरी तो सुनने वाली थी। बहुत शुक्रिया। अब लड़की को भी लगने लगा ये लड़का शायद प्यार में है। इजहार तो उसने कर दिया उसकी हाँ के इंतजार में। और उसके लिए यह कुछ कि इश्क बस इश्क है तुझसे सबको मैं समझाता हूँ। कोई पूछे वजह मेरे जीने की तो मैं तेरा नाम बताता हूँ। बहुत शुक्रिया। बस एक छोटा सा शेर है कि वो ना रात को थोड़ा लेट सोती है। उसके ऊपर मैंने लिखा था कि भाई जरा गौर फरमाएगा कि मैं शौकीन हूँ जैसे कॉफी का वैसे वो चाय की दीवानी है। करती है सुबह दोपहर से वो उसे रात भर बातें जो बनानी है।
और शुक्रिया।